हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन अ मास इज रोटेटेड इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग दी। ठीक है, तो देखो जब भी किसी मास को, जैसे कि ये मास एम है, इसको एक प्लेन में रोटेट किया जा रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ये इस तरह से रोटेशन कर रहा है। तो जब हम लोग इसकी एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला जो होती है वो होती है एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर L जो है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप जैसे कि सपोज़ इसकी डायरेक्शन चाहते हो कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे होगी, किधर होगी, तो आपको जो फिंगर्स है वो इस सर्कल के अलॉन्ग घुमाना है, तो आपका थंब जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग आएगा। ठीक है, ये मीन्स अगर आप सपोज करो थम्ब्स को, फिंगर्स को है ना, कर्ल करोगे इस तरह से, तो आपका थंब जो है ऐसे आएगा और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। मीन्स जिधर पार्टिकल घूम रहा है ना उसके अलॉन्ग अपने फिंगर्स को कर्ल करा दो, घुमा दो, तो आपको थंब ऊपर आता हुआ दिखेगा, तो वही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस वजह से इसका आंसर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके।